नमस्कार बहुप्रिया, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। आज एक बार फिर से बिहार के प्रत्येक जिलों के पर्यटन स्थल के सीरीज में आज शिवहर जिले के पर्यटन स्थानों की जानकारी को लेकर आपके सामने हाजिर हो। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले इस शिवहर जिले में आपको मैथिली संस्कृति की गंध मिलेगी। जटिन तथा झजिया यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात करें तो धार्मिक स्थल एवं यहाँ की संस्कृति ही मुख्य रूप से इस जिले के पर्यटन की पहचान है। तो चलिए जानते हैं इस जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में। इस जिले का सबसे प्रसिद्ध स्थल है देकुली धाम मंदिर। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे भारत में केवल दो मंदिरों में ही श्री यंत्र लगा हुआ है। एक है देवघर के बाबा वैजनाथ मंदिर और दूसरा है इस शिवहर जिले का बाबा भुवनेश्वर नाथ मंदिर यानी देकुली धाम मंदिर। इस अति प्राचीन मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि इसका निर्माण द्वापर काल में किया गया था। मंदिर के पश्चिमी भाग में एक तालाब है जिसकी खुदाई करीब 1962 में छतौनी गांव निवासी संत प्रेम भिक्षु ने करवाई थी, जिसमें द्वापर काल की दुर्लभ पत्थर और धातु की मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जिसे मंदिर प्रांगण के रूप द्वार के दाहिने तरफ अति प्राचीन मॉल श्री वृक्ष के पास स्थापित की गई है। इस मंदिर के पौराणिक एवं धार्मिक महत्व के बारे में मान्यता है कि भगवान विष्णु के अवतार राम एवं भगवान शिव के अवतार परशुराम ने इसी मंदिर में सातवें पूजा किया था, जिससे पूरा क्षेत्र शिव और हरि का मिलन क्षेत्र कहलाया और लोग इस क्षेत्र को शिवहर के नाम से जानने लगे। वहीं द्वापर काल में कुलदेव को द्रौपदी द्वारा संपूजित किए जाने के कारण इस जगह का नाम देकुली पड़ा। अब आगे हम बात करेंगे अति प्राचीन बरगद के वृक्ष की। पुरनहिया प्रखंड के एक गांव में स्थित एवं अनुमानतः 2 एकड़ में फैला अति प्राचीन विशाल बरगद के वृक्ष के लगभग 100 और भी सहायक तना और जड़ें हैं, जो हाथी घोड़े जैसी आकृति बनाते हुए एक प्रकार का भ्रम पैदा करते हैं। लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए, कौतूहलपूर्ण दृश्य एवं क्रीड़ा स्थल है। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहाँ एक मेले जैसा दृश्य होता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि मूल तना के जड़ की खो में नाग देवी एवं नाग देवता का निवास है। अब आगे हम बात करेंगे आपसी भाईचारा का मिसाल गढ़ी माई के मंदिर के बारे में। हमारे विविधता में एकता का प्रतीक है शिवहर जिला मुख्यालय वार्ड नंबर 14 में अवस्थित गढ़ी माई का मंदिर और मस्जिद। विशाल मस्जिद के मुख्य द्वार पर दाहिने ओर गढ़ी माई का मंदिर है, जहां आस्था और विश्वास का साक्षात दर्शन होता है। इस मंदिर और मस्जिद के निकट में होने की कहानी भी अजीब है। कहा जाता है कि एक फकीर गढ़ी माई के मंदिर के निकट ही आकर रहने लगा और अपने तंत्र मंत्र विद्वता के कारण जल्द ही उसे क्षेत्र में ख्याति प्राप्त हो गई। कुछ दिन बीतने के बाद वो फकीर राजदरबार पहुंचा और गढ़ी माई के निकट मस्जिद बनाने की इच्छा जताई, तो राजा ने फकीर की बातों को स्वीकार करते हुए मस्जिद बनाने में सहयोग किया। मस्जिद बनने के बाद उत्तर पश्चिमी कोने पर मिट्टी से बनी पिंडी के ऊपर लाल चुनरी लगाकर पूजा की जाने लगी। वर्ष 2005 के सितंबर माह में दोनों समुदाय की सहमति से उस पूजा स्थल को गढ़ी माई के मंदिर का रूप दिया गया। यह मंदिर और मस्जिद आपसी भाईचारा एवं एकता का जीता जागता मिसाल है। अब आगे हम बात करेंगे धनकौल दुर्गा मंदिर की। यह मंदिर शिवहर से 8 किलोमीटर पूर्व सीतामढ़ी शिवहर मार्ग पर स्थित धनकौल चौक से 2 किलोमीटर उत्तर गांव के ही सीमा पर अवस्थित है। इस मंदिर की स्थापना विशुद्ध देवी भक्त परम श्रद्धे स्वर्गीय गोपाल झा द्वारा 25 जून 1990 को किया गया था। इस मंदिर का इस क्षेत्र में बड़ा ही महत्व है। अश्विनी नवरात्र में अष्टमी के रोज यहाँ हजारों की संख्या में लोग एकत्र होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस रोज यहाँ नारियल फोड़ने से मनचाही मुराद पूरी होती है। बिहार के पर्यटन स्थलों में आज हमने आपको शिवहर जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताया। अगले वीडियोज में हम आपको बिहार के अन्य जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है। अगर किसी तरह की त्रुटि हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आपने कभी इस जिले का भ्रमण किया है या आप इस जिले के हैं, तो आपके अनुसार इस जिले का कोई पर्यटन स्थल अगर हमारी तरफ से छूट गया है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसका जिक्र हमने इस वीडियो में नहीं किया है। हम आश्वस्त करते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हम अपने अगले वीडियो में दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आप इस जिले के अपने पसंदीदा जगह के बारे में भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल बिहारी न्यूज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।